और स्टूडेंट्स, चैनल के एक सब्सक्राइबर मित्र ने आज पूछा कि आईएएस और मेडिकल प्रोफेशन में से क्या बेहतर है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा इसका उत्तर दिया जाए। तो मैं किस आधार पर उत्तर दूंगा, पहले तो ये बता दूं कि मैं 93 में एमबीबीएस में प्रवेश किया था मैंने, और 2002 में मेरा एमडी कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 99 में एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। 2002 से लेकर 2000 आज 19 है, 17 ईयर से मैं मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे जो साथी लोग डॉक्टर्स हैं देश विदेश में, तो उन सब का प्लेसमेंट्स पता है, तो डॉक्टर्स के बारे में डेप्थ में पता। अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस, तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कि एक मेरी डेंटिस्ट फ्रेंड है, उनके पिता आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स हैं जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं, तो मैं उन सबसे बात करके आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। लेकिन उनसे जो बात की और उत्तर जो देने वाला हूँ ये इस एनालिसिस का कि मेडिकल बेहतर या आईएएस आईपीएस बेहतर, उसके पहले मैं आपको बता दूँ ये तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं होगा प्रोफेशन को चूज करने का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मेडिकल प्रोफेशन में आपको आना हो या आईएएस बनना हो, इसके लिए दो क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, या दो कैपेबिलिटीज आप में दो चीजें होनी चाहिए। पहला ये कि आप किस लिए बनना चाहते हैं, किस लिए आपका उद्देश्य, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझाऊंगा क्यों। दूसरा है आपके भीतर कैपेबिलिटी, तो आईएएस बनने के लिए किन कैपेबिलिटीज की जरूरत है, और मेडिकल प्रोफेशन में एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, एग्जाम्स क्रैक करने के लिए किन कैपेबिलिटीज की जरूरत है, ये आपको खुद से पूछना होगा। ठीक है, तो आपका उद्देश्य जो है वो सिर्फ लाल बत्ती कार पाना है जो कि अब तो बंद हो गई है, ठीक है, या कुछ लोगों का तो ये रहता है कि ऊपरी कमाई करनी है ना, इसलिए आईएएस बनना है, कुछ का क्या रहता है दहेज अच्छा मिल जाएगा। तो बात ये है भाई कि आईएएस यदि बनना है तो आईएएस हो या मेडिकल प्रोफेशन हो, दोनों ही प्रोफेशन इंसान को दुनिया में जो लोग हैं, जो भारत में हमारे देश में लोग हैं, उनकी जिंदगी को बदलने का काम करते हैं। खासकर आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में ये बहुत होता है कि बड़े लेवल पर वो बदल सकते हैं। डॉक्टर एक व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है, कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकता है, अवेयरनेस से बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दे सकता है, लेकिन आईएएस ऑफिसर पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो आपका उद्देश्य यदि पवित्र होगा तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना अधिक होगी, एग्जाम क्रैक करने की भी, साथ ही साथ में एग्जाम के बाद की चीजों के लिए भी सक्सेस मिलने की संभावना बेहतर होगी। साथ ही साथ में ऑब्वियस है कि आपको पढ़ाई में अच्छा होना होगा, मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और आईएएस क्रैक करना तो बहुत ही टफ है क्योंकि इसमें 1% 0.5% से भी कम प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, है ना। तो इसलिए आपको चाहिए, एक मिनट, तो आपने समझ लिया कि आपको कैपेबिलिटी के बारे में पूछना है आपने, और साथ में कि आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सेवा भावना हो, मेडिकल प्रोफेशन में आना हो, तो कुछ चीजें जैसे आपको पढ़ाई में अच्छा होना होगा, आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि पब्लिक डीलिंग का आफ्टर ऑल ये जॉब है, तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन की दोनों के ही प्रोफेशन में जरूरत होगी। तो पहले तो आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, आप में कैपेबिलिटी फाइंड कीजिए, और उसके बाद ही फिर ये जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में जो पहले दो तीन पॉइंट बताए वो आंतरिक प्रॉब्लम क्वालिटीज हैं। तो अब तो इन आंतरिक क्वालिटीज पर ध्यान देने के बाद हम बाहरी सुपरफिशियल क्या फायदे क्या नुकसान है दोनों प्रोफेशन के वो एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या आता है, एंट्रेंस। एंट्रेंस किसमें, तो क्या होगा, कैसा है, कठिन है, किसमें, तो 12th के बाद जो है वो आपको एमबीबीएस में प्रवेश करना होता है नीट देकर, है ना, लेकिन आईएएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। एंट्रेंस मेडिकल में टफ होने के बावजूद भी आईएएस की तुलना में काफी इजियर है, साथ ही साथ में इसमें कुछ और भी रूट्स हैं जैसे कि आप अब्रॉड से कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन आईएएस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ग्रेजुएशन में प्रवेश करने, एमबीबीएस में प्रवेश करने की संभावना मेडिकल प्रोफेशन में कहीं अधिक होगी, आईएएस में ज्यादा कठिन होगी, ज्यादा अनिश्चितता होगी। आप कई बार लोग 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ऐसा भी होता है ना आईएएस में, तो इसलिए ये रिस्क है आईएएस में। मेडिकल में आप यदि मेडिकल में प्रवेश कर जाते हैं, एमबीबीएस हो जाते हैं, तो कुछ तो बन ही चुके हैं आप, ठीक है, हालांकि एमबीबीएस के बाद भी आप आईएएस दे सकते हैं, जो कि कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, मेरे एक सीनियर हैं वो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं इसमें। तो पहला तो ये हो गया एंट्रेंस। दूसरा आता है मनी, मनी किसके पास ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन होता है। तो मनी देखो, यदि लीगली अर्न करने की बात है तो लीगली प्रोफेशनल अर्निंग की बात है तो चाहे यूएसए हो चाहे इंडिया हो, भारत हो,
यहाँ पर डॉक्टर्स की अर्निंग जो है आईएएस ऑफिसर से हमेशा अधिक होगी। यूएसए में जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनसे अधिक लॉयर या डॉक्टर्स कमाते हैं, क्योंकि आईएएस को एक सैलरी मिलेगी। हाँ, करप्शन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जो कि इसमें बहुत कॉमन परसेप्शन है कि वो लोग बहुत ऊपरी कमाई करते हैं, बट मुझे लगता है बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं और बहुत सारी तो पोस्टिंग ही ऐसी होती होंगी जहाँ पर आपको करप्शन अलाउड ही नहीं होगा, और करप्शन बहुत रिस्की भी है। आप यदि करप्शन करप्ट माइंडसेट्स के साथ आ रहे हैं तो आप बहुत बुरा ट्रैप भी हो सकते हैं, और वैसे भी मॉरली भी गलत है, देश के लिए भी गलत है। तो आपको पैसे ही कमाने तो कुछ फिर और कीजिए। तो आप समझ गए, लीगल अर्निंग की जहाँ तक बात है तो सिर्फ जॉब में डॉक्टर है तो भी उसको प्रैक्टिस अलाउड होती है बहुत सारे जॉब्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में उसकी सैलरी ऑलमोस्ट आईएएस ऑफिसर जितनी ही होती है क्लास वन पोस्ट पर, ठीक है, दोनों क्लास वन पोस्ट पर जाते हैं। हालांकि आईएएस ऑफिसर्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पर्स मिलते हैं, हेल्पर्स मिलते हैं घर के लिए, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं उन लोगों को, उनका रिटायरमेंट प्लान वगैरह डॉक्टर्स की तुलना में बेहतर होता है, वो अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले पाते हैं क्योंकि वो खुद ही पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं तो, या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। तो जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी और इस सब की बात है, हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह, वो आईएएस को बेहतर हो जाती है ओवरऑल। लेकिन सेल्फ अर्निंग, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है मेडिकल में, इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादा अर्न करते हैं। अब हम आते हैं बात कहाँ पर अपनी मनपसंद जगह पर रहने की चॉइस। मनपसंद रहने की चॉइस जो है वो मेडिकल फील्ड में बेहतर है। ये गाँव से लेकर आप अमेरिका तक, सिंगापुर तक, मलेशिया तक कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत कठिन नहीं है। जबकि आईएएस ऑफिसर को तैयार रहना होगा उसको कहाँ भेजा जाएगा इसके लिए, वो नागालैंड भी हो सकता है, जम्मू भी हो सकता है, उसको कैडर ही वैसा मिल सकता है और विद इन द कैडर उसके ट्रांसफर्स मल्टीपल टाइम्स होते रहेंगे, तो उसको अपनी उसकी चॉइस रहने की नहीं हो सकती कि हमको एक ही जगह रहना है। तीसरे नंबर पर आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसको ज़्यादा मिलती है, तो रिस्पेक्ट डॉक्टर को तभी मिलती है जब वो फेमस हो जाता है या उस वो कुछ ऐसा काम करता है जो कि लोग अपीलिंग होता है लोगों के लिए, है ना, तो डॉक्टर को तब रिस्पेक्ट मिलती है। सिर्फ डॉक्टर हो जाने से आपको, ठीक है, रिस्पेक्टेबल माना जाएगा, आप हाईली एजुकेटेड माना जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका एक ऑरा बना दिया जाएगा। लेकिन आईएएस में इमीडिएटली आप जैसे ही आईएएस बनते हो आपकी इर्द गिर्द एक रिस्पेक्ट का माहौल हो जाता है, आपको लोग काफ़ी बड़े उससे देखने लगते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे नंबर, पावर। पावर मेडिकल प्रोफेशन में किसी को भी पनिश करने का पावर नहीं है, और लेकिन किसी की जान बचाने का पावर है। एक प्रधानमंत्री भी आएगा आपके पास तो आपकी बात मानेगा यदि आप डॉक्टर हो तो, कि आपको उसकी हेल्थ की जब तक आप बात कर रहे हो, लेकिन वहीं एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपकी दूसरी चीज़ों के लिए बात नहीं मानेगा, ठीक है, जो कि बियॉन्ड आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें पनिश करने की पावर नहीं है लेकिन हील करने की पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग पनिश करने की पावर को ही, सजा देने की पावर को ही बड़ा ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए आईएएस ऑफिसर्स के इर्द गिर्द ज़्यादा चमचेगिरी होती है, ज़्यादा लोग उनको उनसे डरते भी हैं, ठीक है। तो जहाँ तक पावर की बात है, आपको पावर का शौक है तो फिर आईएएस। लेकिन एक बात और बता दूँ, ये इसमें थोड़ा सा गच्चा भी खा जाते हैं लोग। आईएएस ऑफिसर्स को जितनी पावर है उतने ही वो पावरलेस भी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर और वकील एक प्रोफेशनल हैं तो वो किसी के नीचे भी नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास कोई मिनिस्टर आए, कोई आईएएस ऑफिसर आए, जज आए, कोई भी आए, वो मेरे लिए एक मरीज है, ठीक है। लेकिन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में, यदि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में एक डॉक्टर के रूप में चल जाऊँ तो मैं बहुत लोगों के नीचे हो जाऊँगा। इसी तरह से आईएएस ऑफिसर भी बहुत लोगों के नीचे होता है, अपने सीनियर ऑफिसर्स के, सेक्रेटरीज के, देन विभिन्न संगठनों के, कोर्ट्स के, मिनिस्टर्स के, तो उसको पावरलेस की भी फीलिंग होती है, क्योंकि कई चीज़ें वो अपनी मन की नहीं कर पाता और कई बार उसके साथ बदतमीजियाँ भी हो जाती हैं, खासकर राजनीतिक पार्टी वगैरह उन पर दबाव डालती हैं। तो जितना वो आम आदमी के ऊपर पावरफुल है उतना ही वो पावरलेस है साइमल्टेनियसली उसी समय, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस। आई थिंक फोर्थ है या फिफ्थ है, फोर्थ पॉइंट होगा, स्ट्रेस किस प्रोफेशन में ज़्यादा है। तो मेडिकल प्रोफेशन में क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो कुछ ब्रांचेस जैसे डर्मेटोलॉजी है, इसमें बहुत लाइक काफ़ी कूल है, कोई इमरजेंसीज वगैरह नहीं है। वही मेरी ब्रांच पीडियाट्रिक्स में काफ़ी इमरजेंसीज होती हैं, तो आपको कैसी पर्सनैलिटी आपकी उसके अनुसार आप अपनी ब्रांच फर्दर चुन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्रांच नॉन क्लिनिकल हैं जिसमें सिर्फ जॉब है, पेशेंट केयर ही नहीं है। रेडियोलॉजी में, पैथोलॉजी में आपको डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं है, 9 to 5 टाइप का आप जॉब कर सकते हैं उसमें। लेकिन मैक्सिमम ब्रांच जिनमें ग्लैमर है, जिनमें ज़्यादा मनी है, जिनमें ज़्यादा फेम है, वो ज़्यादातर पेशेंट ओरिएंटेड ब्रांचेस हैं, तो उसमें स्ट्रेस भी होता है। हालांकि स्ट्रेस लेना आपके ऊपर है, जैसे मैं
जो है बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीता हूँ, बैलेंस जीता हूँ। मैं खेलता हूँ, लिखता हूँ, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम के लिए टाइम निकालता हूँ, तो ये डॉक्टर पर खुद निर्भर करता है। आईएएस ऑफिसर की जहाँ तक बात है स्ट्रेस की, तो उनकी भी सिमिलर ही बात है। उनकी कुछ पोस्टिंग्स जो होती हैं वो स्ट्रेसफुल होती हैं, जैसे कि कलेक्टर बनना, लेकिन बहुत सारी पोस्टिंग्स उनकी ऐसी होती हैं जो बहुत कूल होती हैं, और जिनमें उनको 9 to 5 जॉब, 9 to 4 जॉब, और जिसमें सारे सबका बॉस बन के रहना है, और फैमिली टाइम उनके लिए बहुत होता है, उनकी छुट्टियां भी बहुत उनको मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये इंडिविजुअल है कि स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। हालांकि कुछ पोस्टिंग्स में उनको अधिक स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि उनकी पोस्टिंग उनके हाथ में नहीं है, डॉक्टर की लाइफ उसके हाथ में रिलेटिवली ज़्यादा है। अगला पॉइंट है, बड़े लेवल पर चेंजेस कौन ला सकता है? तो वो डेफिनेटली आईएएस ऑफिसर बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट कराते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं। एक यंग आईएएस ऑफिसर के अंडर में बहुत सारे सरकारी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको उनकी सुननी पड़ती है। तो ये थी एनालिसिस इस प्रोफेशन के विषय में। आप खुद जानिए कि क्या आपके लिए बेहतर है। मेरे लिए, यदि मेरा दोबारा जन्म हो और मुझसे कोई ऑप्शन रखे, मेडिकल लेना है कि आईएएस लेना है, तो मैं कमिश्नर बना दिया जाएगा, कलेक्टर बना दिया जाएगा, या एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाएगा। मैं फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, ब्रांच हो सकता है मैं बदल लूँ या यही रखूँ, लेकिन चुनूंगा वही डॉक्टर वाला। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे करना अच्छा लगता है। इसीलिए ये सारे सुपरफिशियल क्राइटेरिया अलग बात है, पहले फाइंड आउट कीजिए आपका इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों ही प्रोफेशन घंटों काम मांगते हैं, घंटों की मेहनत मांगते हैं, बहुत मेहनत मांगते हैं, इसी प्रिपरेशन भी और साथ में बाद में भी। और इसीलिए जो काम है इस प्रोफेशन का, वो आपको खेल जैसा लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, रिलैक्सिंग लगना चाहिए। मुझे इस प्रोफेशन में 14-15 आवर्स काम करके भी मज़ा आता है, आता था, आता है और आता रहेगा। तो इस वजह से आपको यदि मज़ा नहीं आएगा तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको मदद मिले करेगी। मुझे नहीं पता YouTube पर इस तरह का कोई वीडियो है कि नहीं, थोड़ी सी वियर्ड कंपैरिजन है, आप बोलोगे कि ये कैसा कंपैरिजन है, मेडिकल प्रोफेशन बेहतर कि आईएएस बेहतर, और कुछ लोग तो सिर्फ आईएएस को ही बेहतर मानते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है और इंडिविजुअल लाइफ की बात है। मैं बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे, कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं आईएएस ऑफिसर्स के, जो अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर नहीं बनाना चाहते। इसी तरह से उल्टा भी होता है, कुछ डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भी बात होती है। थैंक यू।